अरे मित्र, आखिर कब तक हम ऐसे ही गधों की तरह काम करते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी सुख नहीं लिखा है? अरे मित्र, ईश्वर की कृपा से हमें रोज भरपेट खाना तो मिल ही जाता है, और हमें क्या चाहिए? अरे मित्र, मैं सोच रहा था कि जैसे कहानियों में होता है कि गरीब को बहुत सारा खजाना मिल जाता है, काश ईश्वर हमें भी वैसे ही ढेर सारा धन दे दे तो हमारी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मित्र, वो सब तो कहानियों में ही अच्छा लगता है। अरे मित्र, ये यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? मुझे लगता है या तो कोई किताब है। मित्र, यह किताब तो किसी मार्ग को दर्शाती है। हाँ हाँ मित्र, यह तो किसी खजाने तक पहुँचने का रास्ता है। हाँ मित्र, सच में यह तो किसी खजाने तक पहुँचने का रास्ता है। तो फिर चलो मित्र, जल्दी से इस खजाने को ढूंढते हैं। फिर वह दोनों मित्र खजाने की तलाश में घूमने लगते हैं। वह दोनों चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं जो किताब में दिखाई गई थी। मित्र, मुझे लगता है यह वही गुफा है जिसमें खजाना छिपा हुआ है। हाँ हाँ मित्र, तो इसमें देर किस बात की है, चलो अंदर चलते हैं। अरे मित्र, यह गुफा तो कितनी डरावनी लग रही है। हाँ मित्र, गुफा तो डरावनी है, लेकिन सोचो यदि हमें खजाना मिल गया तो हमें किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें गुफा में घूमते घूमते काफी समय हो जाता है, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिलता। मित्र उधर देखो, वहाँ पर किसी चीज का प्रकाश मालूम पड़ता है, चलो चलकर देखते हैं। मित्र, यह तो एक दीपक का प्रकाश है, लेकिन मित्र इस दीपक को यहाँ पर किसने रखा है, जबकि यहाँ पर हम दोनों के अलावा तीसरा तो कोई नहीं दिख रहा है। चलो मित्र, जल्दी से हम इस दीपक को हटाकर इस पत्थर के पीछे देखते हैं, कहीं खजाना इसी पत्थर के पीछे तो नहीं छिपा है। फिर वह दोनों मित्र उस पत्थर को हटाते हैं। अरे मित्र, यहाँ तो एक और दरवाजा है, चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं, जरूर वह खजाना इसी दरवाजे में होगा। मित्र, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी सही ढंग से नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई, तुम ऐसा करो, वह दीपक उठाकर ले आओ, हम उस दीपक की सहायता से खजाने को ढूंढ सकते हैं।